Good morning, students. Today our topic is Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Region, Chapter Number 8 from Geography, Class 7. तो लेसन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेनू को लड़की है जिसका अंकल शरीकांत जो कि लगभग 4 महीने के बाद घर आता है और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र है और हर जगह ट्रैवल करते हैं। रेनू का जो फॉरेस्ट के बारे में जानना, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना अच्छा लगता है। जब उसको अंकल नेचर की बुक देते हैं तो उसके अंकल अलग अलग लोगों की फ़ोटो दिखाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। वो उस फ़ोटो को दिखाते हैं, डेजर्ट की, फ्रोजन लैंड की, वेट रेनफॉरेस्ट की, और रेनुका जो है वो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करती है। अब पढ़ते हैं हम लाइफ इन द अमेजन बेसन, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो किसके क्लोज पड़ता है, इक्वेटर के बिल्कुल पास, और इक्वेटर है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, और इसी रीजन को कहा जाता है इक्वेटोरियल रीजन, और इसी रीजन में रिवर अमेजन फ्लो करती है। अब जब एक रिवर दूसरी वाटर बॉडी से जाकर मिलती है तो उसी पार्ट को कहा जाता है रिवर माउथ। जो न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज हैं, जो आसपास की नदियां हैं, वो अमेजन रिवर के साथ मिलकर अमेजन बेसन बनाती हैं, और जो ये रिवर बेसन है ये पोर्शन से बह के आता है ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। देखिए, स्पेनिश एक्सप्लोरर आए, उन्होंने अमेजन बेसन को एक्सप्लोर किया। इनके ऊपर बहुत लोगों ने अटैक किया, वो थे लार्ज लोकल ट्राइब ग्रुप। उन्होंने हेड गियर्स पहने हुए थे और ग्रास की शर्ट पहनी हुई थी। इनको देखकर स्पेनिश एक्सप्लोरर को उन वुमेन वॉरियर ट्राइब की याद आई जिनको रोमन एम्पायर में अमेजन कहा जाता था, इसलिए इनका नाम अमेजन पड़ा। अब पढ़ते हैं ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरी क्या होती है? जब छोटी छोटी नदियाँ मेन रिवर में मिल जाती हैं और जो वो मेन रिवर है अपने ट्राइब्यूटरीज के साथ एक एरिया में जाके ड्रेन हो जाती है तो वहाँ पर रिवर बेसन बन जाता है। जो अमेजन बेसन है ये लार्जेस्ट रिवर बेसन है वर्ल्ड का। आप पढ़ते हैं क्लाइमेट। ये हमने पढ़ा कि अमेजन बेसन इक्वेटर पर डायरेक्टली स्ट्रेच करता है, और अगर हम यहाँ की टेम्परेचर की बात करें टेम्परेचर डे और नाइट में इक्वली हॉट होता है एंड इक्वली ह्यूमिड होता है, और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर स्किन जो है बिल्कुल स्टिकी फील करती है, और अगर हम एवरीडे बेसिस पर बात करें तो वो ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर रेनफॉल होती है। यहाँ पर डेज में टेम्परेचर हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है, और रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी हाई रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।